पे सी 24 न्यूज एक्सप्रेस मैं शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विदिशा महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा विदिशा स्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निवास पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार द्वारा किसानों की मांग और किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर काली पट्टी बांध कर धरना प्रदर्शन की तैयारी को पुलिस ने नाकाम कर दिया। कांग्रेस महिला अध्यक्ष प्रियंका किरार को विदिशा पुलिस द्वारा उनके निवास स्थान से ही गिरफ्तार कर लिया। कोरोना काल में हुए किसानों की मौत और किसानों की परेशानियों को अवगत कराते हुए कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार पारुल चौधरी को दिया, जिसमें किसानों को फसल उपार्जन की बिक्री के बाद बैंकों से पैसा निकालने में हो रही परेशानी और कोरोना काल के दौरान हुई किसानों की मौत की सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि किसान की मौत कोरोना से हुई है, जिससे किसानों के परिवारों को मुआवजा राशि मिल सके ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। तार थोड़ा ठीक रहेगा सोनी जी। हम लोग चले जाएंगे सर, आप पहले ज्ञापन दे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरे ज़िले के अंदर चाहे किसानों की बात हो, चाहे कोरोना पीड़ित परिवारों की बात हो, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लापरवाही के कारण, उनकी सरकार की लापरवाही के कारण आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी आम जनता मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो चुकी है कि कई लोग उस प्रताड़ना के कारण ही बलि के बकरे बन रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा है, किसान लगातार अपनी उपज जो समर्थन मूल्य पे बेचती है उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। रात रात भर सड़कों पर वो बेइज्जत हो रहा है, उसको शासन प्रशासन से उसके भुगतान की मदद नहीं मिल पा रही है और सड़कों पर वो रात भर सोने को मजबूर है ताकि उसका नंबर आए और वो अपना भुगतान प्राप्त कर सके। उसी तरह कोरोना पॉजिटिव जितने भी मरीज हमारे जिले सहित मध्य प्रदेश में आए हैं और उनकी मृत्यु हुई है, मेरा सरकार से निवेदन है कि उन सभी कोरोना पीड़ितों के लिए वो प्रमाण पत्र दें, मृत्यु प्रमाण पत्र दें, ताकि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है इस बात की गवाही वो प्रमाण पत्र दें और उनको शासन 5 लाख रुपए तक का अनुग्रह राशि दे, ताकि वो अपने परिवार में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन परिवारों में कमाने वाले सदस्य उन्हें जब अपनी जान कोरोना से गमाई है, वो अपने परिवार को आगे चला सकें। मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि शिवराज जी, महिलाओं के ऊपर आपकी तानाशाही जो है लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रही है। हम अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और जिला महिला कांग्रेस इस बात की निंदा करती है कि हम लोगों को जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ने में पुलिस और प्रशासन द्वारा घरों से उठा लिया जाता है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। जो महिला नेत्री हैं, जो जन समस्याओं के लिए बरहमे सड़क पर संघर्ष करती हैं, उन्होंने प्रशासन से वाजिब मांग उठाई थी और उनका एक बिंदु जो विधायक जी ने कहा बिल्कुल जायज है कि जो बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है जनता को और सिर पर बोनी का समय है और किसान परेशान है। दूसरा जो इन्होंने जो एक बात उठाई है कि कोरोना में कम से कम जिनको अगर प्रमाण पत्र नहीं दोगे आप, तो वो जो शासन देना चाहता है सहायता वो कैसे मिलेगी। तो जो प्रियंका जी ने बात कही है कि उन सभी को कोरोना के उसमें लिया जाए और प्रमाणित किया जाए ताकि जनता को कम से कम वो राहत जो भी है, कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन कम से कम मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है जो लोग परिवार जो अनाथ हो गए उनके बोले। अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेकिन सरकार है कि बहाने ढूंढती है कि कैसे जनता की मदद ना की जाए, ये छलावा है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आइए, क्या बोलते हैं?
प्रियंका किरार मैडम जी हैं जिन्होंने अपनी मांगे रखी हैं शासन की ओर से कि किसानों की जो समस्याएं हैं जिनका बैंक भराना है और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी बात है कोविड से संबंधित जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन पेश किया है जिसको हम लोगों ने लिया है पुलिस प्रशासन के साथ, और ये जो ज्ञापन है ये हम शासन तक पहुँचा देंगे। मैडम जी, इनको गिरफ्तार करके लाया गया प्रियंका मैडम जी, और इनको धारा लगाई जा रही है, किसके तहत लगाई जा रही है? ये धारा 151 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। क्या जुर्म किया मैडम? जुर्म कुछ नहीं, ऐसा है कि ये घर से भाग रहे थे, इनको जब पुलिस ने पकड़ा तो इन्होंने नारेबाजी की जो कि धारा के विरुद्ध है। अशांत व्यवस्था और जो कोरोना में लोगों की मृत्यु हुई है उनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे उसके लिए हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता प्रियंका किरार जी ने यहाँ सीएम हाउस जो लोकल का है उसके सामने धरना देने का आह्वान किया था, लेकिन प्रजातंत्र का गला घोंटकर विदिशा ज़िले के प्रशासन ने इतनी पुलिस भेज दी जैसे किसी अपराधी को घर से पकड़ते हैं। सुबह तमाम पुलिस के साथ उठवा लिया हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा को, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन जो जिसलिए वो आंदोलन कर रही थी वो बहुत वाजिब और सही विषय है, क्योंकि पूरे ज़िले में आपने कल भी देखा होगा कि पेपरों में छपा है कि लोग पासबुक लगा रखकर तीन तीन चार चार दिन तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव के जो यहाँ पे एमडी हैं उनकी तानाशाही है। मैं भी उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि बैंकों के सामने टेंट लगाएँ, सोसाइटी के ऊपर पेमेंट कराएं, तो उनका ये कहना है कि सोसाइटियों के अगर हम पेमेंट कराएंगे तो हमारी सोसाइटी लुट जाएगी, अगर लुट जाएगी तो उन्हें चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए और पुलिस और प्रशासन को भी चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए कि वो गांव में किसानों की सुविधा के लिए वहीं पर उसके राशि का वितरण नहीं करा सकते। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और पुनः एक बार प्रशासन से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोसाइटी स्तर पर जब तक पैसा नहीं बटेगा, जब तक किसानों की समस्या दूर नहीं होगी, आज कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, किसान को खाद बीज तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इनके पेमेंट ना देने की हट से कई तो परिवार उनके कोरोना के काल के गाल में समा गए, इसके बाद भी प्रशासन अंधा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।